आप सबको गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इस गणेश उत्सव के शुभ अवसर पर बनाते हैं पापा के और हम सबके फेवरेट फ्राइड मोदक। हाय फ्रेंड्स, दिस इज नेहा, वेलकम टू डेजर्ट मसाला, योर प्लेस टू लर्न अमेजिंग रेसिपीज। सो लेट्स गेट रेडी। फ्राइड मोदक बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी फिलिंग बना लेंगे। इसके लिए एक पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। घी मेल्ट होने के बाद फिर इसमें डालेंगे 1 कटोरी ग्रेटेड नारियल। यहाँ मैं सूखे नारियल का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें फ्रेश नारियल का भी यूज कर सकते हैं। हमें नारियल को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। 3-4 मिनट इसे भूनने के बाद फिर इसमें डालेंगे 1 कटोरी पाउडर्ड शुगर। और इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से मिला लेंगे। नारियल और शक्कर अच्छे से मिक्स होने के बाद फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मलाई और 1 टीस्पून इलायची पाउडर। यहाँ आप मलाई की जगह अमूल फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाकर गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस फिलिंग को थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए, हमारी मोदक की फिलिंग बनके रेडी है। अब चलते इसका आउटर कवर बनाने के प्रोसेस में। इसके लिए एक प्लेट में लेंगे 2 कटोरी मैदा, 2 टेबलस्पून बारीक सूजी, 2 चुटकी नमक, 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी, 4 इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। ऐसे दोनों हाथ में रब कर लेंगे इसको, ताकि घी मैदे और सूजी के साथ अच्छे से मिल जाए। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका टाइट आटा गूंद लेंगे। तो ये देखिए, हमारा सख्त आटा गूंद के रेडी है। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं। अब इसकी एक बड़ी लोई लेंगे और इसकी एक रोटी बेल लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, हमें इस रोटी की थिकनेस नॉर्मल रोटी से थोड़ी कम रखनी है। तो ये देखिए, हमने यहाँ एक बड़ी और पतली रोटी बेल ली। अब इसे हम किसी भी शार्प एज कटर या टिफिन से 2 इक्वल सर्कल्स में काट लेंगे। और बचा हुआ आटा निकाल लेंगे। तो यहां हमारे एक ही बार में 2 मोदक बन जाएंगे। अब इसमें से 1 पीस को हाथ में से रखकर इसके बीचों बीच हम 1 टीस्पून फिलिंग भर देंगे।
और इसे हल्के हाथों से सारे साइड से पास लाकर क्लोज कर देंगे। और एंड में पानी से इसकी टिप क्लोज कर देंगे ताकि फ्राई होते वक्त मुदक ऑयल में ओपन ना हो। तो है ना ये आसान तरीका मोदक बनाने का। सिमिलरली मैं बाकी मोदक भी बना लेती हूँ, फिर चलते इसे फ्राई करने। तो ये देखिए हमारे सारे मोदक फील होके रेडी हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए हम थोड़ा सा आटा इसमें डाल के देखते हैं। तो ये देखिए आटा ऊपर आ गया, इसका मतलब ऑयल परफेक्टली गर्म है। अब इसमें हम एक एक करके मोदक डालेंगे। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप इसमें एक साथ 4 या 5 मोदक भी फ्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ एक चीज ध्यान में रखिए, मोदक फ्राई करते वक्त हमें ऑयल का टेम्परेचर मीडियम हॉट रखना है। अगर आपको लगे कि ऑयल ज्यादा गर्म हो गया है आप थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऑयल ज्यादा गर्म है तो मोदक पे बबल्स आ जाएंगे। अब हमें इन मोदक को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। जब आपको ये दिखे कि ये ब्राउन हो रहे थोड़ा, इन्हें तुरंत निकाल लीजिए, क्योंकि ऑयल से बाहर आने के बाद ये और थोड़ा डार्क हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारी पहली बैच फ्राई होके रेडी है। क्योंकि हमने आटे में गरम घी डाला था इसकी वजह से मोदक कम ऑयल अब्सॉर्ब कर रहे हैं। सिमिलरली मैं बाकी मोदक भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे बापा का फेवरेट प्रसाद बनके रेडी है। अगर आपको ये मोदक बनाने की सिंपल रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।